हाँ जी बेटा इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज टेन बी के फाइव तक आपको समझा दिए थे नाउ क्वेश्चन नंबर अ बॉक्स ऑफ थ्री ग्राम्स फाइंड द वेट ऑफ हाफ अ डजन सच बॉक्स इन के जी हाफ अ डजन मतलब मैंने क्या बोला था वन डजन में ट्वेल्व पीसेज हैं देन हाफ अ डजन मीन्स हाफ उसका कितना हुआ ट्वेल्व का सिक्स सिक्स का हमने काउंट करना है लेट्स सी

थाउजेंड से डिवाइड किया मतलब तीन के बाद डेसिमल और लग जाना टू पॉइंट जीरो फाइव एट के जी आंसर होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस सिंपल क्वेश्चन है बिगर नंबर ऊपर रखोगे स्मॉलर नीचे रखोगे और माइनस कर दोगे डिवाइड दिस बाय ट्वेंटी ये भी सिंपल है इस दिस इज डिविडेंड इसको अंदर रखोगे ट्वेंटी के साथ डिवाइड कर दोगे आंसर में जो भी आएगा उसके साथ ग्राम्स लगेगा ये डेसिमल वाली डिविजन है बस सिंपल डिविजन है और आंसर में बस ग्राम्स लगेगा ये ध्यान रखना नेक्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ है तो ये भी सिंपल बट मैं करवा दूंगी कन्वर्ट टू ग्राम्स एंड एड पहले सबको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है फिर इनको प्लस करना है सी किलोग्राम्स में दे रखा है ग्राम्स में कन्वर्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड करना है इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल लास्ट में चला जाएगा ये देखो इसको भी थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया डेसिमल रिमूव हो गया इसको भी थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया लास्ट में चला गया डेसिमल रिमूव हो गया लास्ट में चला गया मतलब डेसीमल जीरो बनेगा तो वो लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आ गया एंड में सबको एड कर दिया दिस इज द आंसर सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल है आगे है जी एक्सप्रेस एस डेकाग्राम्स ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है दो पार्ट्स दिए हुए हैं इसके लेट्स सी एक्सप्रेस दिस इन डेकाग्राम्स तो दिस इज इन किलोग्राम्स किलोग्राम टू डेका जाना है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करना है तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड का मतलब है डेसिमल जो है टू प्लेसेस मूव करेगा आगे को राइट right साइड राइट साइड जाना है मल्टीप्लाई करना है और राइट right साइड की तरफ ही डेसिमल मूव होएगा लेफ्ट साइड जाना है डिवाइड करना है और डिवाइड में लेफ्ट साइड को ही डेसिमल मूव होएगा तो दिस इज डेकाग्राम अगला था थर्टी पॉइंट जीरो फोर वन इसको भी के जी है तो डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करना है तो दो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आगे डेसीमल दिस इज दैट सेट विद योर एक्सरसाइज टेन बी डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर रिविजन करते जाना साथ साथ कन्वर्जन से भागना नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेंस करो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अगली वीडियो में अगला टॉपिक करते हैं थैंक यू